मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू विद्यान क्लासेस आई एम योर मैथ्स एंड रीजनिंग फैकल्टी सो आज हम एक टॉपिक बहुत फेमस टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क वो लेने जा रहे हैं और एक्चुअली ये टॉपिक का स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा हाइप रहता है कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं समझ आते भी हैं तो सर पर विद इन एक मिनट के अंदर अंदर सर हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आज मैं आपको कुछ अप्रोच बताने जा रहा हूँ जिससे आप ये क्वेश्चन को विद इन वन मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकेंगे ओके लेट्स स्टार्ट हाँ। और हाँ हर एक क्वेश्चन के पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए पॉज करने के बाद ऑब्जर्व कीजिए कि आपको अपनी अप्रोच से ये क्वेश्चन कितने टाइम में हो पाता है फिर वीडियो पॉज करने के बाद मेरा मेरी अप्रोच फिर ना किस तरह से लगती है ओके थ्री पाइप्स ए बी एंड सी कैन टैंक इन फाइव टेन एंड थर्टी ऑर्स इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टूगेदर देन हाउ मेनी ऑर्स विल द टैंक बी फुल ओके So, ये बेसिक क्वेश्चन है अपना पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है हैव अ टैंक हमारे पास एक टैंक है ठीक है इस टैंक को फिल करने के लिए मेरे पास तीन पाइप हैं, ए पाइप बी पाइप और सी पाइप ठीक है ए पाइप को अगर मैं अकेले में इसको ओपन कर दूं ना ए पाइप इसको पांच घंटे में फिल करती है मतलब कि फाइव ऑर्स लगेंगे ए पाइप को बी पाइप को लगेंगे दस घंटे और सी पाइप को लगेंगे थर्टी आवर्स ओके तो आगे बोला गया है इफ ऑल द आर ओपन टुगेदर, अगर मैं इन तीनों पाइप्स को एक साथ ही ओपन कर दूं, मतलब तीनों पाइप्स को मैंने इनके मैंने तीनों के वॉल्स मैंने ओपन कर दिए फिर पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इस टैंकी को जो भी टैंक सिस्टम है उसको फिलअप करने में कितना टाइम लगेगा सो so, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहती है फर्स्टली आपको इन तीनों का एल्सीयम लेना है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एल्सीयम पहले इन तीनों का एल्सीय लेना है फाइव टेन और थर्टी का इसका एल्सीय होता है बेसिकली थर्टी अभी जिन बच्चों को एलसीयम निकालना नहीं आता है वो ना ध्यान दीजिए एलसीयम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मुझे सबसे छोटा मल्टीपल देखना है सबसे छोटा मल्टीपल देखना है जिसके टेबल में फाइव भी आए ये भी आए और ये भी आए ठीक ओके तो मैंने देखा सर सबसे छोटा मल्टीपल है फाइव फाइव वन दाइव फाइव टू दाइव सिक्स दर्टी अगेन टू और सिक्स है यहाँ पे मैंने देखा टू थ्री द्री वन प्रोसेस मेरा था तब तक चलेगा जब तक मेरा नीचे वन 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 या मतलब कि वन ना आ जाए या कोई प्राइम नंबर ना आ जाए तो मेरा एलसीएम क्या होगा इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आप फाइव इंटू टू टेन इंटू थ्री थर्टी एल आ गया ओके okay? अभी जो, जो मेरा थर्टी एल सी में आया है ये क्या है ये मेरा है टोटल वर्क ये क्या है मेरा टोटल वर्क मतलब कि तो टोटल वर्क मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है वो कितना है थर्टी यूनिट्स का वो कितने का है थर्टी यूनिट्स का ठीक है तो थर्टी यूनिट्स के रेफरेंस में मुझे पहले हर एक का निकालना है कि ए बी और सी कितना टाइम कंज्यूम करेंगे पहले निकालते हैं ए का ये और से अपना काम है पर थर्टी यूनिट्स की रिस्पेक्ट में वो उनकी स्पीड क्या रहेगी वो हम निकाल रहे हैं अभी तो थर्टी अपॉन ए कितना कर रहा है पांच घंटे में तो सर जो ए है वो कर रहा है सॉरी यूनिट का वर्क कर रहा है ठीक है बी बी कितने में कर रहा है थर्टी यूनिट कंप्लीट है उसको लग रही कितने टाइम है दस घंटे तो सर ये कर रहा है थ्री यूनिट्स का वर्क कर रहा है ठीक है सी थर्टी अपॉन थर्टी ये कितने में कर रहा है सर वन यूनिट में कंप्लीट कर रहा है ठीक है तो ए को तो लग रहा है छ यूनिट्स बी को लग रहे हैं थ्री यूनिट्स और सी को लग रहे हैं वन यूनिट्स ये क्या है पता है ये है एक घंटे में एक घंटे में ए थर्टी यूनिट के रिस्पेक्ट में छ यूनिट काम कर रहा है एक घंटे में बी थर्टी यूनिट के रिस्पेक्ट में तीन यूनिट काम कर रहा है एक घंटे में सी थर्टी यूनिट के रिस्पेक्ट में वन यूनिट वर्क कर रहा है वी बोला क्या था इफ ऑल द दाइपन यूनिट मतलब कि अगर मैं इन तीनों पाइप्स को ओपन कर दूं, तो ये लेंगे दस यूनिट का वर्क करेंगे पर जो मेरा ये दस यूनिट आया है, ये ना किसके रिस्पेक्ट में आया है थर्टी यूनिट के रिस्पेक्ट में आया है. Okay? सो so, अगर मैं और कन्वर्ट करूं तो 30 था पूरा वर्क और इनका अपना था 10 तो मतलब कि थ्री और इनको लगेंगे अगर ये तीनों पाइप एक टाइम पे ओपन करूं तो तीन घंटे में ये मेरा प्रॉपर सिस्टम पूरा फिलअप हो जाएगा ओके okay? तो आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर अगला क्वेश्चन ए एंड बी कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन फोर डेज इफ एलोन कैन कम्पलीट द वर्क इन ट्वेल्व डेज देन इन हाउ मनी डेज बी अलोन कैन कम्प्लीट द सेम वर्क क्वेश्चन को है, पहले पहले अंडरस्टेंड करो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है मेरे पास एक ना दीवार है सपोज करो एक वॉल है मेरे पास इस वॉल पर किसी भी टाइप का किसी भी टाइप का वर्क करना है आपको सपोज करो पेंट करना है अगर मैंने इस वर्क को इस दीवार को पेंट करने के लिए मैंने दो बंदे यहाँ पे यहाँ पे मैंने स्टैंड अप किए एक का नाम है ए एक का नाम है बी अगर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इनको लगेगा टाइम कितना चार दिन यहां पे बोला हुआ है ए एंड बी कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन फोर डेज अगर ए प्लस बी दोनों अगर ये काम करेंगे तो इसको टाइम कितना लगेगा इस दीवार को पेंट करने में टाइम लगेगा चार दिन लगेंगे ओके और अगर ए अकेला काम करेगा ए अगर अकेला काम करेगा सिर्फ ओनली ए तब उसको लगेंगे बारह दिन लगेंगे ठीक है अंडरस्टैंड करना ध्यान से पहले एक काम करते हैं थोड़ी सी हार्ड ट्रिक देखते हैं मतलब कि नॉर्मल ट्रिक जिसमें आपका एक मिनट यूज होने वाला है उसमें क्या होगा ए प्लस बी ए प्लस बी लग रहे हैं चार दिन फोर डेज और ए लग रहा है बारह बारह दिन ले रहा है तो जो हमने पहले वाली ट्रिक यूज की उसमें क्या करना था पहले इन दोनों का एल्सियम लेना था तो मैं, मैं इन दोनों का एल्सीम लेते हैं फोर और ट्वेल्व का एल्सीय आता है निकालना सर आता है इन एल्सीम क्या आएगा ट्वेल्व एल्सीय आएगा ठीक है आप निकालना आपको आ जाएगा अगर नहीं आता है मुझे कमेंट में जरूर पूछिए इस एल्सियम क्या आया है ट्वेल्व आया ठीक है बट ट्वेल्व ट्वेल्व एल्सीय का मीनिंग क्या है मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही चीज बताई ट्वेल्व एल्सीय का मीनिंग है टोटल वर्क टोटल वर्क जो मेरे

और वन था फोर थ्री था मतलब कि थ्री यूनिट्स का काम करेगा कौन ए और बी करेगा एक घंटे में ये एक घंटे का निकाल रहा हूं मैं ही एक काम एक दिन का सॉरी ए निकाल रहा है ए काम करते है अकेले बारह दिन में और टोटल वर्क है बारह तो A अलोन कितने यूनिट का वर्क करेगा ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व वो करेगा वन यूनिट का वर्क एक दिन में ये मैं निकाल रहा हूं निकाल रहा हूं मैं एक दिन का ओके? तो okay? so, अभी हो गया क्वेश्चन, अभी आपके पास दो इक्वेशन बन गई बी थ्री टू वन इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा लेकिन आप मुझे बोलोगे कि सर ए प्लस बी यहाँ पर भी है हम यहां पर भी ए को डालें तो आंसर नहीं आएगा नहीं क्योंकि यहां पे यूनिट मेरा चल रहा है डेज में मुझे आंसर किसमें चाहिए यूनिट्स में ठीक है तो ए की वैल्यू है वन ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो वन प्लस बी इज इक्वल थ्री बी की वैल्यू कितनी आ गई टू यूनिट्स मतलब कि अगर मैं बी को अकेला यहाँ पे खड़ा कर दूँ तो बी इस वॉल को पेंट करेगा कितने टाइम में दो यूनिट के टाइम में एक घंटे में ठीक है तो मेरे पास टोटल वर्क यहाँ पे कितना था सर बारह यूनिट का तो बी अकेला जो काम करेगा वो ट्वेल्व अपॉन टू टू वन द टू सिक्स द तो मतलब कि सिक्स और लगेंगे अगर बी अकेला यहां पे काम करता है तो आंसर क्या आ जाएगा A. ठीक है और अगर तुमको ना ये लग रहा है कि सर इतना बड़ा है पहले एलसीएम निकालना है फिर उसके बाद ये करना है उससे भी अगर शॉर्ट ट्रिक तुमको चाहिए तो मैं यहां पे आपको ना दिखाता हूं सॉल्व करके देखो ये आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा इससे दो। देखो बी अकेला था कितना 12, right? तो इसकी बेसिक ट्रिक क्या है B अकेला कितने में करेगा इन दोनों को इंटू करो ट्वेल्व इंटू फोर इन दोनों को इंटू करो और अपॉन में इन दोनों को आप ना माइनस कर दो ट्वेल्व माइनस फोर तो ट्वेल्व इंटू फोर ट्वेल्व इंटू फोर अपॉन टाइनस फोर एट फोर वन द फोर टू दू वन टू सिक्स दिक्कस मतलब कि अकेले बी को अगर काम करना हो तो उसको टाइम लगेगा छह घंटे लगेंगे तो उसमें भी आंसर हमारा ए ही आएगा ठीक है जो भी ट्रिक आपको सही लगती है ये आपकी आ गई प्रॉपर बेसिक अप्रोच आ गई आप इससे भी अप्रोच कर सकते हो और ये आ गया थोड़ा सा फास्ट ट्रिक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सिस्टम हैज टू पाइप्स अच्छा पहली बात तो क्या होता है सिस्टम सिस्टम तो होता है एक टैंक होता है ठीक है एक टैंक है मेरे पास उसपे दो पाइप्स लगी हैं ठीक है वन कैन फिल इट विद वाटर इन एट आवर्स एंड अदर कैन एम इट इन फाइव आवर्स एक पाइप जो लगी है वो यहाँ पे लगी है वो इसमें अगर पानी डाले अकेला तो वो इसको आठ घंटे में इस सिस्टम को फुल कर देता है ये पाइप इस, इस पाइप का नाम ले लो ए नाम ले लो आप इसका ठीक है और जो दूसरी पाइप है दूसरी पाइप मेरी यहाँ पे लगी है जो कि अगर मैं उस पाइप को खोल लू उस पाइप से इस पूरे सिस्टम को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा फाइव आवर्स लगेंगे ठीक है इसका नाम आप ले लो बी ओके सो अभी इस क्वेश्चन की भी अप्रोच वैसी ही है पर आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है अभी दिमाग क्या लगाना है देखो ए कितना टाइम ले रहा है सर ए ले रहा है एट आठ घंटे बी कितना ले रहा है बी ले रहा है मैंने बात की एम की जैसे ही मैंने तुमको बोला एम की बात चल रही है तो अगर मैं कोई चीज अगर एंटर हो रही है उसको मैं अगर प्लस साइन से दिखा रहा हूं तो अगर कोई चीज निकल रही है यहां से तो मैं उसको दिखाऊंगा माइनस साइन से तो बी अकेला करेगा कितना टाइम में फाइव आवर्स माइनस फाइव आवर्स में ठीक है आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं इन हाउ मेनी आवर्स विल सिस्टम बी एम

इन दोनों का एल्सियम क्या आएगा एट इंटू फाइव क्या होता है फोर्टी इन दोनों का एल्सियम क्या आया फोर्टी अभी फोर्टी का मीनिंग क्या पता क्या है फोर्टी का मीनिंग है टोटल वर्क मतलब टोटल वर्क मेरे पास है फोर्टी यूनिट्स का क्या है वो फोर्टी यूनिट्स का मेरे पास टोटल वर्क है टोटल वर्क के अकॉर्डिंग ए ने कितना किया बी ने कितनी कितना किया मुझे पहले बोलना वो निकालना है ए ने कितना किया देखो पहले 40 के रिस्पेक्ट में 40 अपॉन एट अभी ये हमने क्या कर रहे हैं बताए है? अभी तुम बोलोगे सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने अपॉन किया इसमें भी आप अपॉन करो उसका मीनिंग क्या है मैं निकाल रहा हूँ ए मेरा एक घंटे में कितना यूनिट काम करता है ए ने आठ घंटा काम किया ठीक है जो स्पीड है उसकी अब टोटल वर्क है मेरे पास 40 यूनिट तो मैं निकाल रहा हूँ कि मेरा ए अकेला अगर मैं ओपन करूँ तो वो एक घंटे में कितना यूनिट काम करेगा एट वन दा एट फाइव दा तो अगर मैं एट को ओपन कर दूँ तो वो फाइव यूनिट का वर्क करेगा वैसे बी निकालेंगे बी पूरा काम है फोर्टी ए घंटे में फोर्टी अपॉन माइनस फाइव माइनस एट यूनिट का वर्क करेगा कौन बी ओके okay? मतलब कि अभी इनका मीनिंग क्या है मतलब कि एक घंटे के रिस्पेक्ट में एक घंटे के रिस्पेक्ट में एक घंटे में ए अकेला फाइव यूनिट वर्क करेगा और बी अकेला माइनस एट यूनिट वर्क करेगा अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं

माइनस थ्री यूनिट ना है किसकी रिस्पेक्ट में है सर यूनिट के रिस्पेक्ट में है रहे हो ये, जो मैंने 5 निकाला, ये भी इसकी, इसकी रिस्पेक्ट में थ्री यूनिट तो तो कर रहा है तो असली में काम इसने कितना किया होगा तो जो रियल वर्क होगा वो कितना होगा वो निकालते हैं पर अगला आगे इसने ऑलरेडी फुल्ड है पूरा सिस्टम का कितना वर्क था 40 यूनिट का हाफ कितना हो जाएगा इंटू वन बाई टू सर वो हो जाएगा 20 मतलब कि मेरे पास अभी सिर्फ 20 यूनिट का वर्क रहता है 40 का नहीं रहता है मेरे पास अभी 20 यूनिट का वर्क रहता है और मेरे पास इन दोनों ने कितना काम किया थ्री तो फोर्टी अपॉन थ्री कितना आ जाएगा आंसर सॉरी ट्वेंटी अपॉन थ्री ठीक है ट्वेंटी अपॉन थ्री कितना आ जाएगा सिक्स होल टू बाय थ्री मतलब कि अभी इसका मीनिंग क्या है मतलब कि अगर मैं ए और बी दोनों को ओपन कर दिया तो छे घंटे और टू बाय थर्ड प्रेक्शन में मेरा ये पूरा सिस्टम खाली हो जाएगा ओके okay? आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन two pipes a and b can fill a tank in 36 hours and 45 hours respectively if both the pipes are open simultaneously then in how many hours the tank will be full tabhi question kya bol raha hai वैसे बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मैंने जो पहले तीन क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं आप उससे उस ट्रिक से ये क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो पर मैं आपको क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड बता देता हूं आपके पास एक सिस्टम है दो पाइप्स हैं ठीक है दो पाइप्स मैंने ओपन कर दिया ये टैंक को ना फुल करना है ए इसको फुल करता है थर्टी सिक्स आवर्स में बी इसको फुल करता है फोर्टी फाइव आवर्स में तो अगर दोनों को ओपन कर दें इस टैंक को फुल करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए थैंक यू